खैबर पख्तूनख्वा की साबिक हुकूमत में सात बड़े अस्पतालों में 21 करोड़ रुपए की बदनवानियों का इंकशाफ हुआ है। अद्वियात और तिबी आलात की खरीदारी और दीगर में 20,96,59,000 का टीका लग चुका है। अजमत अली शाह से जानते हैं, अजमत अली शाह बताएगा इन करप्शन के हवाले से क्या कुछ इंकशाफ आप सामने आए। जी बिल्कुल, साबिका हुकूमत के करप्शन के किस्से तो हम से आपने सुनी लिए, लेकिन अब सात बड़े अस्पतालों में 21 करोड़ की बदनियानियों का इंकशाफ जो है वो हुआ है। अद्वियात और तिबी आला की खरीदारी और दीगर मदों में 20,96,59,000 का टीका जो था वो लगाया गया था, जबकि आखिरी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिटर जनरल का हुकूमत को मुतालिका अफराद से वसूली की हिदायत भी की गई थी, लेकिन वो ताहाल जो है वसूली की हिदायत तक ही महदूद थी। जबकि सेजू मेडिकल अस्पताल स्वास्थ्य के लिए तिब्बी आलात और दीगर सामान की खरीदारी के वक्त ज्यादा बोली लगाने वालों को टेका दिया गया था। सेजू मेडिकल जो अस्पताल स्वास्थ्य है उसने खजाने को 7,40,00,000 से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा। इस तरह लेडी रीडिंग अस्पताल जो पेशावर में इलाके में मुख्तलिफ मदों में मुलाजमीन को इजाफी अदायगियों से 2,30,00,000 की वापसी जो है वो ताहाल अभी तक नहीं हुई है, जबकि एडिटर जनरल ने सबसे ज्यादा वापसी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया।